ईश्वर की भी अजीब विडंबना है। हम सबको बनाते वक्त हमारे चेहरे को, हमारे रूप रंग को, हमारे कद नाक नक्शे को न जाने कैसे ईश्वर ने अद्भुत रूप से अलग अलग बनाए हैं। पर महज एक बात में ईश्वर ने कभी कोई फर्क न किया, हमारे रक्त में, हमारे खून में। चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, जाति कोई भी हो, रंग कैसा भी हो, भाषा कोई भी हो, देश कोई भी हो, बहता है तो लाल ही होता है, दिखता है तो भी लाल होता है। रक्त है तो जीवन है, रक्त है तो प्राण है, रक्त है तो इंसान इंसान है। एक दौर था जब नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज का दौर है जहां हम भी आपसे रक्त देने को कह रहे हैं। मकसद भी आजादी है, आजादी हर उस तकलीफ से जो रक्त के कम होने से आती है, आजादी स्वास्थ्य की घबराहटों से जो रक्त की अनुपस्थिति में होती है। रक्त आप जितना दान करते हैं, अद्भुत रूप से शरीर खुद ब खुद वो रक्त वापस बना लेता है। आपके केशों की तरह शरीर में रक्त की अपरंपार शक्ति और उपज है। रक्तदान में शामिल होकर सैकड़ों जाने बचाने की मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ जाइए। देश सेवा सिर्फ सरहद पर खड़े रहकर नहीं होती, रक्त का दान भी देश की सेवा है। रक्तदान कीजिए, रक्तदान महादान। दोस्तों, मैं विनीत आपके वक्त का बेहद शुक्रगुजार। आप सुन रहे हैं शब्दों का काफिला नोज़ूटो पर।